हे गाइस, कैसे हैं आप? आज हम मॉड्यूलर किचन कैसा बनाने का उस टॉपिक पर बात करेंगे। तो गाइस, ये है हमारा मॉड्यूलर किचन गाइस, जो ऐसे 10 फीट है और ये एल में 5 फीट है गाइस। समझो हमको 7 फीट का ही किचन कट्टा बनाना है। सभी लोग क्या इतना बड़ा नहीं बनाते, हमें सिर्फ 7 फुट का ही बनाना है। तो 7 फुट के लिए हमें 84 यानी 84 का कट्टा आता है 7 फुट यानी। तो यहाँ से देखो गाइस, इतना कट्टा आता है। तो इतने कट्टे में हमें स्टैंड कितने लगने वाले गाइस? 1, 2, 3 स्टैंड लगने वाले गाइस। 3 स्टैंड, 7 फुट का एक कड़ापे का पीस और स्टैंड गाइस 29x29 लगेंगे यानी 29x29 के 3 स्टैंड लगेंगे गाइस। और कड़ापा 7 फुट का, जो 7 फुट बाय 23 इंच का रहता है, वो लगेगा गाइस। और ये जो हमारा ग्रेनाइट का पीस है, वो हमें 29x84 का यानी 7 फुट का, 1.5 फुट बाय 7 फुट लगेगा। ये तो अपने हिसाब से लगा सकते हैं गाइस, कोई लगाता भी है यार, कोई नहीं लगाता भी। लगाना तो पड़ेगा, ज़रूरी है लगाना। तो गाइस, ये है कड़ापा जो 29x29 का रहता है, उसे हमने 27x29 किया है यानी ऐसे 27 किया है और ऐसे 29 किया है। तो हम क्या करेंगे गाइस, पहले हमारे जो दीवार रहती है, दीवार तरफ से हमें 17 नहीं तो 18, दोनों में भी कौन सा भी 17 छोड़ो या 18 छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा गैस है सिलेंडर बैठने की जगह के लिए, वहाँ से इधर हमें हमारा सेल पर रखना है तो सेल पर के लिए छोड़ सकते हैं गाइस, नहीं तो ट्रॉयली करना है तो ट्रॉयली के लिए ऐसा खुला भी छोड़ सकते हैं। वहाँ से इधर लेने का गाइस, हमारा जो 7 फुट का कितना पीस आता है, उतने पीस पर एक एंड में स्टैंड लगाने का 27x29 का, उसके ऊपर कड़ापा रखने का, जो कड़ापा है वो उसके ऊपर स्टैंड पर रखेंगे गाइस। ऐसे यहाँ रखा है गाइस हमने, यो इसमें हमें अभी सिंक भांडा भी कट करना है गाइस। तो गाइस हमें 7 फुट के कड़ापे में ऐसे सिंक भांडा भी कट कर लेना है, जो हमारे हिसाब से हमारा कौन सा सिंक भांडा होगा उस के अरेंजमेंट में ये सिंक भांडा कट करके लेना है। कट करने के बाद में क्या करना है, जो पीस रख के उसके सामने ये पट्टी दिख रही है गाइस आपको, ऐसे कड़ापा बैठता है गाइस, वहाँ से 6 इंच पट्टी रखना है। 4 इंच पट्टी स्टैंड पर आएंगी, 2 इंच पट्टी बाहर आएंगी। तो गाइस पट्टी को फिट करना है, पट्टी रखना है, उसके ऊपर हर लाइट से चिपकाना है अच्छी तरह से। उसके ऊपर क्या करेंगे गाइस, हमें ग्रिट लेना है यानी रेती गाइस, रेती कड़ापे पर रेती डाल के उसे मैचिंग करना है, लेवल करना है। उसके ऊपर हमें ग्रेनाइट का पीस लेके माप से सिंक भांडा कट करके बाद में ही सीमेंट पानी डाल के फिटिंग करना है। उसके बाद में फिटिंग करने के बाद में गाइस, सामने जो जगह रहती है 3 इंच की, ये जगह ये पट्टी पर 3 इंच की जगह रहती है गाइस, 1 इंच का पीस रहता है उसमें 2 इंच की पट्टी कट करते हैं ऐसे मोल्डिंग मार के, ये फुल मोल्डिंग है, फुल मोल्डिंग मार के कट करते हैं। उसके सामने 3 इंच की जगह रहती है, वो 3 इंच की जगह में हमें ये डिज़ाइन की पट्टी ऐसे बिठाना है। ये डिज़ाइन की पट्टी 6 सेंटी की होती है गाइस, देख सकते हैं आप, 6 सेंटी की पट्टी होती है गाइस, वो 6 सेंटी की पट्टी इस पर बिठा के अच्छे तरह सीमेंट लगा के बिठाना है। बिठा के उसके ऊपर ये 2 इंच की पट्टी कट करा हुई है, उसके पीछे भी ऐसे धार पॉलिश मारना है गाइस, देख रहे हैं आप यहाँ पे, धार पॉलिश मार के उसके सामने ऐसे चिपकाना है, ताकि हमें किचन पर कोई भी हम काम करते वक्त पानी हमारे आंखों पर नहीं लगे और नीचे भी ना गिरे। तो सीधा ये पीस हमने ढाल में बिठाया रहता है, इसलिए सीधा हमारा पानी सिंक भांडे में जाएगा। तो इतना होने के बाद में गाइस, तो ये हमारा किचन कितना हाइट होगा देखो गाइस, 33 इंच हो गए, 33 ये रेगुलर माप है गाइस, 32, 33 ये रेगुलर माप है, 32, 33 होना ही चाहिए। उसके ऊपर होगा तो अभी आपको दिक्कत होंगी, तो उसके नीचे भी होगा तो अभी आपको दिक्कत होंगी। तो गाइस ये इसे कहते हैं वर्टिकल स्टैंड, इसे गाइस इसे आप कहीं भी कौन से भी डिज़ाइन में बिठा सकते हैं, हमने ये सिंपल डिज़ाइन यूज किए, होल्डिंग क्या है
उसे बिठाया है। उनसे हमें किचन को ऐसा लगाना है इसके नीचे, ये कड़ापे के अंदर और ये हमारे टॉप के नीचे, और लाइट लगा के उसके ऊपर रेती डाल के उसे रब करके लेना है, उसके ऊपर सीमेंट लगा के ऐसे चिपकाना है। ऐसे चिपकाने के बाद में हमारा मॉड्यूलर कट्टा किचन तैयार हो गया। तो उसके ऊपर हमें ये हमने 4 इंच की पट्टी लगाई है गाइस, ये पट्टी है ना गाइस, सॉरी 3.5 इंच की पट्टी है। किचन बनाया तो गाइस लगाना तो पड़ेगा, क्योंकि किचन ही हम मॉड्यूलर बनाए रहते हो, इसलिए हमें भी अच्छे तरीके से बनाना है। तो ये 4 इंच की भी बना सकते हैं, 3.5 इंच की भी बिठा सकते हैं आप, 3 इंच की भी बिठा सकते हैं। तो उसके ऊपर इस तरह टाइल्स बिठाने का गाइस, देखिए गाइस इस तरह। और सबसे ज़रूरी बात, किचन में विंडो होना ज़रूरी बात है गाइस, क्योंकि वेंटिलेशन के लिए ज़रूरी है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, धन्यवाद।